नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। फाइनली RUHS से जो एडमिशन है आप सभी छात्रों के लिए, BSc नर्सिंग हो गया, साथ में पैरामेडिकल कोर्सेज हो गए, फिजियोथेरेपी हो गया, इनके लिए जो एडमिशन है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। यानी कि आप सभी छात्रों को भलीभांति से पता है कि इसमें एक तरीके से एंट्रेंस एग्जाम है वो करवाए जाते हैं। अब इसकी डेट क्या रहेगी, फॉर्म कब से भर सकते हो, यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है, जैसा कि यहाँ पर इस साइड में आप देख भी सकते हो। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, जब 25 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपको मैं क्लियर भी कर देता हूँ, जो आपका फॉर्म है वो 25 जून से स्टार्ट होने जा रहे हैं। आपको भी पता है कि हर साल जून में ही स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा लेट हो रहा है और इस बार जून के लास्ट वीक में एक तरीके से जो आप सभी छात्रों के लिए फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहे हैं। अब फॉर्म आपके एक तरीके से 25 जून से स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद में शुल्क जमा कराने की जो तिथि है वो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि आपकी 16 जुलाई। ठीक है, आपके पास में काफी टाइम रहेगा, 16 जुलाई रखी गई है। उसी के बाद में फॉर्म में करेक्शन की जो डेट है वो आपकी 19 जुलाई रखी गई है। ठीक है, 19 जुलाई से लेकर 20 जुलाई यानी 1 से 2 दिन का आपको समय मिलेगा। उसके बाद में जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा वो बिल्कुल आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। अभी यहां पर कितनी आपकी योग्यता होनी चाहिए, फीस कितनी होनी चाहिए, फॉरम फीस है, साथ में पैटर्न है, एग्जाम डेट है, उसी के बाद में आयु सीमा है, सबका इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले नर्सिंग में कोर्सेज की यहां पर मैं बात करता हूं। देखो, इसमें 2 कोर्स आते हैं, एक तो BSc नर्सिंग और दूसरा आता है पोस्ट बेसिक नर्सिंग, इनके बारे में मैं क्लियर भी करूंगा। नेक्स्ट है पैरामेडिकल में, जिसमें BRT, BMLT, BOPHT, ठीक है, फिजियोथेरेपी में आता है BPT। अब देखो, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वो क्या होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले फिजियोथेरेपी की बात करते हैं, तो उसमें अगर आप 12 पास हो साइंस से तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। साथ में पैरामेडिकल कोर्स की बात करें BRT और BMLT की, अगर उसमें आपकी 12 पास है साइंस से तो आप उसमें एलिजिबल हो, फॉर्म भर सकते हो। BOPHT की बात करें तो अगर आप मैथ से या साइंस से 12 पास हो तो आप उसमें एलिजिबल हो। ठीक है, BSc नर्सिंग की बात करें तो यहाँ पर आपकी 45% होनी चाहिए, साथ ही में आपके पास में 12th में बायो सब्जेक्ट आपके पास में होनी चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। साथ में पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ, इसमें देखो अगर आप 12th पास हो, आपके पास में PCB था और उसमें जैसे आपके टोटल नंबर भी, मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि कितने नंबर का आपका पेपर होता है, वो आपका होता है जैसे फिजिक्स का 33 नंबर का आता है, साथ में केमिस्ट्री का 33 नंबर का और उसके बाद में बायो का 34 नंबर का, यानी 100 नंबर का आपका पेपर होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग किसी भी तरीके से नहीं होती है। ठीक है, एज का यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं कि इसके लिए जो फॉरम फीस है, देखो फॉरम फीस का मैं क्लियर कर देता हूँ कि फॉरम फीस जनरल के लिए आपकी 1800, जनरल OBC EWS के लिए 1800 रुपये रहती है, साथ ही में जो SC ST के कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए 900 रुपये यहाँ पर फीस रहती है। बाकी तो नोटिफिकेशन 2023 का भी मैं डाल दूंगा, 2025 के लिए, मतलब कि 2023 का डाल दूंगा, 2024 के लिए मैं आपको बता दूं कि 25 तारीख तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसमें पूरे इंस्ट्रक्शन है वो वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। लास्ट में आप मतलब कि नेक्स्ट आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट है, देखो पैटर्न का मैं क्लियर कर देता हूँ। पैटर्न जैसे पैरामेडिकल कोर्स है, साथ में फिजियोथेरेपी का जो कोर्स है उसमें जैसे 11th और 12th का कोर्स आता है, जिसमें फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग किसी भी प्रकार से नहीं होती है, CBT बेस्ड एक तरीके से एग्जाम होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर BSc नर्सिंग की। अब देखो, नर्सिंग का आपको पता है कि 45% अगर आपके नंबर है तो आप इसमें एक तरीके से एलिजिबल हो, और यहाँ पर एक तरीके से 85% जो सीटें हैं वो तो रिजर्व की जाती है राजस्थान के लिए, और बाकी जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए 15% जो सीटें हैं वो रिजर्व की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में 12th होनी चाहिए, और मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि इसमें एक तरीके से अगर आपकी PCB है, ठीक है, PCB भी मैं जैसे आपको फर्स्ट में क्लियर भी किया था, फिजिक्स में जैसे 33 नंबर का होता है फिजिक्स का पेपर, केमिस्ट्री का 33 नंबर का और बायो का आपका 34 नंबर का होता है, 100 नंबर का आपका पेपर होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग किसी भी तरीके की नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करना चाहूंगा, देखो पोस्ट बेसिक नर्सिंग है वो स्टूडेंट कर सकते हैं जो एक तरीके से GNM के बाद में ये नर्सिंग कर सकते हैं, यानी कि GNM उन्होंने कर ली है और GNM यानी 1 साल का कोर्स कर लिया, उसके बाद में वो BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो इस कोर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज कितनी रहती है, गवर्नमेंट कॉलेज कितनी रहती है। देखो राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 39
39 तो गवर्नमेंट कॉलेज है और 160 प्राइवेट कॉलेज है। अब इनकी संख्या इस साल बढ़ती है तो आपको नोटिफिकेशन में पता लग जाएगा। बाकी काफी छात्रों के डाउट रहते हैं कि सर मैं डोनेशन से कर सकता हूँ या प्राइवेट कॉलेज से डायरेक्ट एक तरीके से एंट्रेंस एग्जाम देकर डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग कर सकता हूँ, आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम लागू कर दिया गया है, ज्यादातर यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम है, डायरेक्ट आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और एंट्रेंस एग्जाम में आप एलिजिबल रहते हो, उसके लिए शॉर्ट लिस्ट निकलती है, मेरिट लिस्ट निकलती है, अगर उसमें आपका नाम आ रहा है तो कॉलेज में जाकर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे, वहां पर जो भी आपकी फीस रहती है वो फीस आपको सबमिट करवानी होगी। एवरेज में एक तरीके से फीस का मैं आपको क्लियर करके बताऊं तो वो नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया, जिसमें आपको जेएनएम नर्सिंग हो गया, ठीक है, उसके बाद में बीएससी हो गया, पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो गया, बीआरटी, बीएमएलटी, बीओ, पीएचटी, ठीक है, बीपीटी, सभी के लिए आपको जो फीस है वो क्लियर हो जाएगी कितनी क्या फीस रहती है पूरी, ठीक है। बाकी बीएससी नर्सिंग के लिए तो 8 लाख के तकरीबन आपकी फीस रहती है, जो कि यहाँ पर मैं आप सभी छात्रों को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम का, आपको क्लियर हो गया होगा एंट्रेंस एग्जाम आपका कब होगा। एंट्रेंस एग्जाम आपका अगस्त तक जाकर होने वाला है, तब तक आप सभी छात्रों को थोड़ा पेशेंस रखना होगा तब तक, ठीक है। नेक्स्ट बात करना चाहूंगा कि यहाँ पर बी फार्मा डी फार्मा करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा, बिल्कुल करवाया जाएगा, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें बिल्कुल मेंशन नहीं किया गया है कि बी फार्मा या डी फार्मा कब तक करवाया जाएगा, तब तक आप थोड़ा वेट करें क्योंकि नोटिफिकेशन भी इसी वेबसाइट पर आईयूएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा, जो कि इस साइड में आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पर पूरा पोर्टल मिलेगा आपको कि फॉर्म किस तरीके से भर सकते हो, इंस्ट्रक्शन क्या क्या रहेंगे, ठीक है, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, वो सब कुछ वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो डॉक्यूमेंट्स तो आपके 10th 12th की मार्कशीट हो गई, ठीक है, आपका मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, यानी आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, ठीक है। जब आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाओगे कॉलेज में, एक तरीके से आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो टीसी है, टीसी आपके लगने वाली है, तो ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है वो आपके लगेंगे। तो तब तक आप सभी छात्र थोड़ा पेशेंस रखे, बाकी लगातार इस चैनल से जुड़े रहना, आपको और भी जो अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।